दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपने ये अक्सर कहावत सुनी होगी, ढाक के तीन पात। आज उसी ढाक के तीन पात पर बात करेंगे कि ढाक के तीन पात कहाँ से आई ये खास बात। देखिए, ढाक एक ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाया जाने वाला पतझड़ यानी कि डेसिडुअस टाइप का पेड़ है, और गर्मियों में बहुत अच्छे इसके फूल आते हैं ऑरेंज रेड कलर के। और जो इसके खास बात यह है कि ये एक इसका जो मेन ब्रांच है, और साइड ब्रांचेज में हमेशा आप पत्तों को तीन के समूह में पाए जाएंगे। ये देखिए, जितनी साइड ब्रांचेज हैं यू विल फाइंड लीफ लेट इन दी ग्रुप ऑफ थ्री। तो इसीलिए ये हमेशा, ये कभी भी आप ये चार या पांच या दो की फॉर्म में नहीं मिलेगा इनके पत्ते, हमेशा तीन के समूह में ही आप इसको पाएंगे। इसलिए ये कहा जाता है ढाक के तीन पात। अब इसे प्रयोग में कैसे किया जाता है, इस अरेंजमेंट को कहा जाता है ट्राईफोलिएट। ये ट्राईफोलिएट है, बॉटनिकल लैंग्वेज में ट्राईफोलिएट अरेंजमेंट ऑफ लीव इसको कहा जाता है। तो बोलचाल में भी इसको इसी तरह इस्तेमाल किया जाता है कि जैसे जिस काम को मेहनत या लगन से न किया जाए तो नतीजा क्या रहेगा, ढाक के तीन पात, यानी कि आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा। और इसका मतलब एक्चुअली यह है कि परिस्थिति में कोई बदलाव न होना, स्थिति हमेशा एक समान रहना, नो चेंज इन दी सरकमस्टांसिस इन एनी केस। इसी तरह से दूसरा इसका वाक्य हो सकता है कि जैसे मैंने अपने ड्राइवर के बेटे को समझाने की बहुत कोशिश की कि भाई पढ़ाई में मन लगाओ ताकि आपका भविष्य सुधरे, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, नतीजा ढाक के तीन पात। एक और वाक्य जैसे इस पे बनाया जा सकता है, जैसे कि मैंने वह उसे जुआ न खेलने की बहुत हिदायत दी, समझाने की कोशिश की, लेकिन वो उसने जुए में सब कुछ बर्बाद करके परिवार को भी तबाह कर दिया, नतीजा ढाक के तीन पात, उसने मेरी एक न मानी। तो यहाँ से ये ढाक के तीन पात वाक्य का या उसका मुहावरे का उदय हुआ। और इस तरह से ये, लेकिन ट्राईफोलिएट अरेंजमेंट जो लीव होता है यानी कि तीन का समूह, ये कई पौधों में पाया जाता है। जैसे स्ट्रॉबेरी के आपने बेल देखी होगी, उसमें भी ये इसी तरह का अरेंजमेंट पाया जाता है। लेकिन बोलचाल में वाक्यों के लिए मुहावरे की फॉर्म में ढाक के तीन पात को ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मेरा मकसद यही था एक एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से कि ढाक के तीन पात कहाँ से आया, क्यों आया और किस तरह से इसको वाक्य में प्रयोग किया जाता है। फिर किसी दिन और टॉपिक के साथ आएंगा। नमस्कार।